Hello friends, this is our next lesson in this series for Indian Polity presented myself Aksa Khan. And last time हमने देखा था DPSP, ठीक है, Director Principal of State Policy, जहाँ पर हमने article cover किए थे 36 to 51. Okay, तो अब हम next जो topic है हमारा fundamental duties. तो fundamental duties सबसे पहले तो fundamental duties जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन स्टार्टिंग से नहीं था. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे जो हमारे, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया था हमारा, वो टाइम पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी. आफ्टर दैट इसे ऐड किया गया, जब हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड करना चाहिए. तो अब देखते हैं ये कहाँ से शुरुआत होती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की. जैसे कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि 1970 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो टाइम पर 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का क्या होता है, युद्ध होता है. क्यों? बांग्लादेश की वजह से. और फाइनली बांग्लादेश को क्या मिलती है? आज़ादी मिलती है. एंड देन वो टाइम पर इमरजेंसी लागू कर दी जाती है हमारे कंट्री में, इंडिया में. ओके, और वो कंट्री को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? इंटरनल इमरजेंसी में. ठीक है, तो इंटरनल इमरजेंसी लगने की वजह से क्या होता है कि सारे जो प्रेस मीडिया जो होती है, हर चीज़ को बंद कर दिया जाता है. ठीक है, ताकि लोग क्या है, ज़्यादा आवाज़ ना उठाएं. हर जो लोग, जनता की जो आवाज़ है, उन सारी चीज़ों को दबाया जाता है ये चीज़ करके. और फिर जो इमरजेंसी है, आपको इमरजेंसी का थोड़ा सा ड्यूरेशन याद रखना है. ये इमरजेंसी जो है 1975 से लेके 1977, यानी तकरीबन 2 साल तक के लिए ये इमरजेंसी लगाई गई थी, इंटरनल इमरजेंसी. तो देखते हैं ये इमरजेंसी में हुआ क्या. अब फाइनली जब 2 साल की इमरजेंसी यहाँ पर लगी, तो यहाँ पर इमरजेंसी लगने की वजह से लोग जो है सड़कों पर चले आए, रेल की पटरियाँ उखाड़ना शुरू कर दिए. यानी पब्लिक डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा देखने को मिल गया, पब्लिक डिसऑर्डर. तो ये देखते हुए सरकार को ये महसूस हुआ कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट होना चाहिए, उसमें ऐड करना नेसेसरी हो जाता है. ओके, तो बाद में ये सोचकर 51A, क्योंकि 51 तक तो हमारा क्या है, DPSP है. तो 51A आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड की गई. अब देखिए, जब इमरजेंसी तो 1975 से लेके 1977 तक थी. अब जब उसके बाद चुनाव होता है, इमरजेंसी हटती है, चुनाव होता है, तो उसमें इंदिरा गांधी जी को ज़बरदस्त हार मिलती है और एक नई सरकार आती है जिसे हम कहते हैं जनता पार्टी, गवर्नमेंट आती है. ओके, और 44 अमेंडमेंट से वो क्या करती है, जो इमरजेंसी, जो भी चेंजेस इंदिरा गांधी जी ने किए थे वो टाइम पर, उन सब चीज़ों को वो हटा देती है. मगर कुछ चेंजेस को वो नहीं हटाती है, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्योंकि वो सरकार को भी लगती है कि हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक राइट चीज़ है, लगाना ज़रूरी है. ठीक है, ताकि सिटीज़न ऑफ इंडिया को ये भी लगे कि हमारे लिए भी कोई ड्यूटीज़ बनाई गई है और हम उसका क्या करें, पालन करें. ओके, तो अब हम देख लेते हैं. तो यहाँ पर डायरेक्टली तो ये बना नहीं होगा, डायरेक्टली ऐड नहीं किया गया. पब्लिक डिसऑर्डर की वजह से यहाँ पर स्वर्ण सिंह कमेटी एक्ट में लाई गई. और ये कमेटी ने किसके बारे में हमें बताया, फंडामेंटल ड्यूटीज़. और ये कमेटी कौन से एक्ट से, आपको याद रखना है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आई है, ये 46 अमेंडमेंट 1976. तो ये याद रखना है, क्योंकि वो टाइम पर ना बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे जिसे हम कहते हैं 42 अमेंडमेंट. लास्ट टाइम मैंने आपको प्रियम्बल के भी बारे में बताया था कि प्रियम्बल में 3 वर्ड्स जोड़े गए थे इंदिरा गांधी के थ्रू. तो ये चीज़ को भी चेंजेस किया गया था 42 अमेंडमेंट से. आर्टिकल 51A में पार्ट 4th में 10 ड्यूटीज़ को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. अब वो 10 ड्यूटीज़ कौन सी है जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जो जानना हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ड्यूटीज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं. ठीक है, तो 11th ड्यूटी जो है ना, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, 486 अमेंडमेंट, सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल. ठीक है, ये तो 11th ड्यूटी थी. और जो 10 में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक तो है अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अवाम हमसे क्या उम्मीद, अवाम मतलब के जैसे कि उम्मीद की जाती है, अवाम मतलब जो जनता है, जनता से ये उम्मीद की जाती है कि हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलेंगे. ओके, प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी. हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो इंटीग्रिटी वर्ड जो दिया गया है, हम उस पर चलेंगे, उसे प्रोटेक्ट करेंगे. ऐसा नहीं कि हम अलग अलग भागेंगे, क्योंकि हम एक ही कंट्री में अलग अलग मजहब, अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं, तो हम सब मिलजुल कर रहेंगे. नेक्स्ट है डेवलपमेंट साइंटिफिक टेम्पर. हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें साइंटिफिक
मेथड को अप्लाई करना है, क्योंकि जब तक हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते, इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी से चलना है। नेक्स्ट जो लास्ट ड्यूटी जो है, स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस, हमें क्या करना है, एक्सेलेंस की तरफ, हमें कोई भी काम अगर आप करते हो, कोई भी आपका ऑक्यूपेशन हो, उसमें आपको एक्सेलेंट देना है। कोई भी काम छोटा या बड़ा तो होता नहीं है, ये आप जानते हो। तो अपने जो भी आपका ऑक्यूपेशन हो, वो छोटा हो या बड़ा हो, आपको उसमें एक्सेलेंस रहना है, ठीक है, अच्छे से अच्छा करना है। तो ये थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ और उसके पीछे जो ओरिजिन थोड़ा सा बैकग्राउंड था, तो ये आपको याद रखना है। फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।